अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्वेश्चन है फर्स्ट डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, फंक्शन आपके सामने है, सो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स। तो ये रहेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स टॉप एग मार्क, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव को, डी बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स अंडर रूट। सो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का जो रूल है वो हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग के सामने जो भी चीज होगी उसको वन बाय करके आपने एज इट इज लिख देना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट इनटू डेरिवेटिव जो भी नेचुरल लॉग के सामने है, जो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव आपने ले लेना है, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट। सो नेक्स्ट स्टेप में इस पे लग जाएगा पावर रूल, बिकॉज ये यहां पे तो रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 1 बाय 2। सो 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट डी बाय डी एक्स e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। पहले मैं इसको पावर के फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर इस पे पावर रूल लगा दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में इस पे पावर रूल लगेगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट इनटू, अब ले लेते हैं इसका, इस पे पहले लगा देते हैं पावर रूट, तो पावर पहले पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव इसकी बेस का, तो बेस हमारे पास क्या है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। So, यहां पे पावर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और यहां पे इनके डेरिवेटिव ले लेंगे सेपरेटली। अजान स्टार्ट होगी तो जैसे ही अजान फिनिश होती है फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट। So, यहां पे इसके पहले पावर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यह रहेगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, सो इसकी पावर आ जाएगी माइनस 1 बाय 2 इनटू डेरिवेटिव लेते हैं e की पावर 2x एज इट इज आ जाएगी, और इसकी पावर का डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगा 2 प्लस डेरिवेटिव लोगे लेते हैं e की पावर माइनस 2x का, तो e की पावर माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा माइनस 2x, और इसकी पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, पावर तो सिंप्लीफाई होगी, अब इस पावर को पॉजिटिव करके लिखेंगे, नीचे 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और उनकी ब्रैकेट्स को अंदर देखते हैं, जस्ट अरेंजमेंट करके लिखनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x अंडर रूट। ये अंडर रूट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज जब ये नीचे आएगा सारी की सारी बेस, तो पावर इसकी क्या हो जाएगी 1 बाय 2, नेगेटिव पावर है नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो रेडिकल फॉर्म में आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो। सो जस्ट अंदर इसको अरेंज करके लिख दो, कांस्टेंट है इसको पहले लिख देते हैं 2 इनटू e की पावर 2x माइनस प्लस माइनस 2 इनटू e की पावर माइनस 2x स्मॉल ब्रैकेट ये क्लोज। सो नेक्स्ट यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, इसके ऊपर ले लेंगे और ताकि ये वाला 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए, तो यह आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय, और मैं ब्रैकेट्स को जस्ट ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो आपके पास यहां पे देखो ये जो है सारी बेस और ये बेस आपके पास क्या है, सेम है, मींस जो भी चीज पड़ी हुई है वो आपके पास रेडिकल फॉर्म में है और बेसिस अंदर देखोगे वो बेसिस सेम है, तो इट मींस उसे हम कह सकते हैं e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, और इस पे डाल सकते हैं स्क्वायर, बिकॉज वंस अगेन बेसिस आप देख रहे हो अंदर सेम है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट इज अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग चीज अंदर रह जाएगी क्या रह जाएगा आपके पास 1 बाय 2 इनटू, यहां से ले लेते हैं 2 कॉमन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, सो आपके पास क्या होगा ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग रिजल्ट बचा है उसको यहां पे ऊपर लिख देंगे और ये स्क्वायर इस अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा,
बाकी जो रिमेनिंग चीज बच जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, और नीचे चीज बच जाएगी हमारे पास क्योंकि रेडिकल फॉर्म से तो अब आजाद हो गया कि स्क्वायर ने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक, और यहां पे जो भी इसकी पावर है वो आ जाएगा यहां पे tan हाइपरबोलिक 2x. इस tan हाइपरबोलिक के जो फॉर्मूलाज हैं हाइपरबोलास के वो मैं यहां पे लिख देता हूं. वो हमारे पास क्या है कि tan हाइपरबोला x वो किसकी इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x. इट मींस टू से यहां पे x, वहां पे x था तो इधर x रहा, ठीक है. यहां पे 2x है तो यहां पे 2x आ जाएगा. इट मींस टू से यहां पे अगर हम चेंज करके 9x कर दें तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, इधर भी 9x आ जाएगा. सिंपल, ठीक है. तो बेसिकली आपके वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहां पे जो भी पावर होगी वो फिर आपने यहां पे लिख देना है. सो ये आ गया इसका फाइनलाइज्ड रिजल्ट, जो कि फाइंड आउट करना था क्या हमें फर्स्ट डेरिवेटिव. सो आई होप क्लियर होगा. स्टिल अगर कहीं भी कंफ्यूजन है किसी भी तरह की तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको साथ साथ मैं रिजॉल्व कर दूंगा. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज़.